हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फिट ट्यूबर राहुल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें मैं अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से उनके रिव्यूज़ लेता था रिगार्डिंग देयर एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग सर्टिफाइड विद मिशन इंडिया फिटनेस इंस्टीट्यूट, जो गुरुमान सर का इंस्टीट्यूट है। आज के इस एपिसोड में आई विल बी डिस्कसिंग विद मिस्टर अंकुर, जो कि एक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट बैकग्राउंड से हैं। बिकॉज ऑफ सम रीजन्स ही टर्नड आउट टू बी अ बैंकर एंड लेटर ही डिस्कवर्ड हिज इंटरेस्ट इन फिटनेस, एंड दैट्स वाई ही डिसाइडेड कि मुझे इसमें सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहिए। क्या उन्होंने इस कोर्स को सिर्फ जॉब पाने के लिए, अपनी फिटनेस की हॉबी को करियर बनाने के लिए किया, या फिर अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए किया जो कि एक बैकिंग प्रोवाइड करे उन्हें अपने फिटनेस करियर में एक स्मूथ तरीके से प्रोग्रेस करने के लिए। सो विदाउट फर्दर एडू अंकुर जी से बात करते हैं। अंकुर जी, प्लीज़ अपने बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दीजिए, एक इंट्रोडक्शन दीजिए, सो दैट आवर व्यूअर्स गेट टू नो अ लिटिल बिट मोर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुर टेवतिया। बाय प्रोफेशन आई एम अ बैंकर, बट आई यूज्ड टू बी अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। आई प्लेड क्रिकेट फॉर 10 इयर्स एंड प्लेड एट वेरियस लेवल्स। लाइक आई रिप्रेजेंटेड माय स्कूल इन एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट व्हिच वाज हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, एंड आफ्टर दैट आई रिप्रेजेंटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी इन यूनिवर्सिटी नेशनल्स। बट इट्स लाइफ देन आई हैव चेंज माई प्रोफेशन एंड आई टर्न अ बैंकर। सो फिर ओके उसके बाद बट एज आई प्लेड क्रिकेट फॉर लॉन्ग टाइम, तो फिटनेस में मतलब इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही। ऑल राइट अंगूर जी, प्लीज़ आप हमें ये बताइए कि आपने ये जो CNS का कोर्स है ये क्यों ज्वाइन किया माईफाई से? सो मतलब तो मैंने ये CNS का कोर्स इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मतलब इंडिया में द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट पीपल मोस्टली पीपल बिलीव ऑन मिथ्स। सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने दिन में चिकन खा लिया तो आपको दूध नहीं पीना पूरे दिन, तो ये चीज़ें होती है। सो मतलब मेरा मेन जो मेन पर्पस था CNS करने का ये था कि मिथ्स पे कभी मतलब इन सब चीज़ों को हटाना है लाइफ से और अपनी सोच से। सो इसलिए और मतलब मेरे को नॉलेज पहले से ही थी इस चीज़ के बारे में, बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर तुम विदाउट मतलब सर्टिफिकेट या विदाउट डिग्री किसी को अगर आप बता दे तो सामने वाला आप पे बिलीव नहीं करेगा। वो बिल्कुल सोचेगा कि मैं भी मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, अपने उससे बोल रहा हूँ, तुक्के मार रहा ट्रू हूँ, ऐसी चीज़ होती है। बट अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो अगर आप उसको कुछ बोलोगे तो आपको मतलब जो बिलीव करेगा ना वो मतलब बढ़ेगा। मतलब अगर आपने कुछ ही बोला तो सामने वाला उसको बिलीव करेगा। तो ये डिफरेंस होता है मतलब सर्टिफिकेशन या फिर डिग्री और डिप्लोमा का। एग्जैक्टली अंकुर, आई टोटली अग्री विद यू। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है माईफाई के साथ वो कैसा रहा? माईफाई के साथ तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो काफ़ी हद तक मीट हुई है। आई विल अप्रिशिएट नितेश यादव सर, क्योंकि उन्होंने इतना पेशेंटली सब कुछ हैंडल किया और मतलब जो उन्होंने बार बार एक्सप्लेन किया चीज़ों को वो काफ़ी अच्छा था। और मतलब मेरे हिसाब से जो गुरु माने जो रैपो बिल्डअप किए तो उसको तो मतलब कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता इंडिया में। इंडिया में क्या थ्रू मतलब बाहर भी नहीं कर सकता। एक्सपीरियंस वॉज प्रेटी गुड। ऑल राइट अंकुर, आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच किया है, ऑर्थोडॉक्स बिलीफ सिस्टम या सुपरस्टिशियस सिस्टम को लेके। और मेरा ये मानना है कि इस फील्ड में गुरुमान सर आई थिंक प्रोबेबली कुछ फ्यू उन लोगों में से, कुछ गिने चुने लोगों में से हैं जिन्होंने इन मिथ्स को डिबंक किया है। क्रेडिट गोज़ टू हिम। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपको बादाम कंज्यूम करना है तो आप उसको रात भर पानी में भिगोइए, उसका छिलका निकालिए और तभी खाइए, अदरवाइज़ वो बादाम आपकी बॉडी में गर्मी कर देगा एंड यू यू विल हैव रिपरकशंस ऑफ दैट। बट उन्होंने ही इस मिथ को डिबंक किया और हम सबको बताया। स्पेशली आई रियलाइज्ड आफ्टर वॉचिंग हिज वीडियोज़ कि ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जिस रीज़न के लिए हम बादाम को खाते हैं, विच मीन्स द इम्पॉर्टेंट फैटी एसिड्स जो उसके अंदर होते हैं, फैट्स होते हैं, वो फैट्स निकल जाते हैं पानी में भिगोने से, जिसकी वजह से जिस पर्पज़ के लिए हम उन्हें खाते हैं वो पर्पज़ सर्व ही नहीं हो पाता है, या उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो काफ़ी कम हो जाती है।
एनीवेज माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने सर्टिफिकेशन करने का क्यों डिसाइड किया, मतलब क्या थॉट आई आपके दिमाग में कि मुझे सर्टिफिकेशन ही करना चाहिए। इनफैक्ट नॉलेज गेन करने के लिए देर आर स्टिल इनफाइनाइट वेज फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न। सर्टिफिकेशन का मैंने इसलिए डिसाइड किया, मतलब मुझे इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट था, और मतलब कि जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं कि लाइक द मोमेंट पर्सन टर्न 40 ही और शी स्टार्ट टू फेल इल, तो मतलब 40-45 के बाद उनको ना मतलब नेचुरली अब तो ये हो गया कि भाई बंदा बीमार होगा ही होगा, उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होनी होनी, या तो बीपी या शुगर कुछ ना कुछ उनको होना ही है। तो मतलब कि मैंने इस चीज़ के मतलब सोचता था कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो फिर गुरुमान सर की वीडियोस भी देखते था, तो उसमें मतलब वो ये बता दे कि भाई हम अगर अनहेल्दी चीज़ें खाते रहते हैं लंबे समय तक, तो उसका मतलब जब हम अभी तो यंग है तो अभी बॉडी को पता नहीं चलता, मतलब बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और मतलब सह लेती है, बट जैसे ही 40-45 की एज होती है तो उस टाइम पे फिर मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो फिर हर कोई बीमार होने लग जाता है। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को एटलीस्ट अगर मैं किसी मतलब बड़े लेवल पे चेंज ना करूँ, एटलीस्ट आई कैन चेंज आई मीन ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ माय फैमिली एंड पीपल अराउंड मी। तो मतलब मेन यही था कि मैं जो भी मतलब गेम मतलब मेरा यही है कि लाइफ में कि भाई अगर मैं जो भी मतलब कर रहा हूँ ना, तो उसकी मतलब डेप्थ नॉलेज चाहिए मेरे को, मतलब कि उसके फैक्ट्स हर चीज़ मतलब क्लियर होनी चाहिए, और कैसे ये चीज़ क्यों है क्यों नहीं है वो सब क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने अपने मतलब फैक्ट्स और ये सब चीज डेप्थ नॉलेज लेने के लिए ये किया। ओके अंकुर, प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ रही होंगी ज्वाइन करने से पहले, क्या वो एक्सपेक्टेशंस मीट हो पाई? एज यू ऑल नो दैट नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, तो मतलब मेरे को जो एक एक जो स्लाइटली डिसएडवांटेज लगा वो ऑनलाइन में होता ही है, ऑनलाइन कोर्सेज में, कि मतलब कि कई बार ना कि ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम कि आपके कई सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते, और वो मतलब हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बाउंड है तो इतना सब नहीं हो। तो मतलब मुझे ये लगता है कि अगर एक दो सेशन और एक्स्ट्रा रख देते तो मे बी काफ़ी लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाते, क्योंकि जब जब कोर्स कंप्लीट हुआ तो उसके बाद हमने मतलब जब कंप्लीट हो जाते तो फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं रिविजन करते हैं, तो उसके बाद ना काफ़ी डाउट्स निकल के आते हैं, तो उसके बाद अगर हमें एक दो क्लास मिल जाती, मतलब जैसे डाउट कोर्स क्लियरिंग कंप्लीट हुए सेशंस, था, बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल मतलब ऐसा एक दो कुछ होना रिवीजन चाहिए। क्लास मिल जाती तो मतलब कि काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाते। एग्जैक्टली अंकुर, क्योंकि क्या होता है कि जब इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहे होते हैं तब हम वो सभी कंसेप्ट सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, बट क्या होता है जब लेटर कभी हम दोबारा उस सब्जेक्ट को पढ़ने जाते हैं तो एक नए एंगल से सोचने को हमें मिलता है, तो नए क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तब नीड होती है कि क्या अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो तब हमें फील होता है कि हम क्वेरी पुट अप कर सकें, बट दैट इज़ समथिंग, वो क्लास हो चुकी है तो वी फील द नीड। बट इसके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा कि मेरी जब पहली वीडियो आई इस सीरीज़ की जिसमें मैंने बताया कि काफ़ी मेजोरिटी टाइम हमारा लोगों की पर्सनल क्वेरीज़ को आंसर करने में निकल गया इन आवर ऑनलाइन क्लास, वो सब नितेश सर ने मेरी वीडियो में देखा, एंड लुकिंग एट दैट ही पर्सनली टेक्स्टेड मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ही टोल्ड मी दैट द पॉइंट्स विच आई हैव शेयर्ड इन माई वीडियोज़ दे आर ट्रू, एंड ही टोल्ड मी दैट इफ एवर आई फील द नीड टू आस्क एनी थिंग फ्रॉम हिम ही इज़ ऑलवेज रेडी, आई कैन फ्रीली आस्क हिम एनी टाइम। तो आई हाईली अप्रिशिएट उन्होंने खुद से मुझे अप्रोच किया और मुझे बोला कि ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर टू माई क्वेरीज इफ आई विल हैव एवर इन फ्यूचर। सी दीज जेस्चर्स आर इंडिकेशन कि कोई टीचर केयर करता है कि जिन स्टूडेंट्स ने उनसे पढ़ा अगर उनको कल को कोई क्वेरी उठती है तो उनके कंसेप्ट्स क्लियर किए जाए। इट्स काइंड ऑफ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो एक पर्सन फील करता है। सो आई हाईली अप्रिशिएट दिस जेस्चर फ्रॉम नितेश सर, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप लोग भी क्वेश्चंस पुट अप करोगे जो हमारे बैच के सभी लोग थे, ही विल श्योरली बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल आवर क्वेरीज। एनीवेज माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उनको क्या माइंडसेट लेके एक कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस रहती है। कुछ को लगता है कि मैंने इसको ज्वाइन कर लिया तो इसको कंप्लीट करने के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के बाद मेरी जॉब तो पक्का लग जानी चाहिए, एंड देर आर वेराइटी ऑफ डिमांड्स विच पीपल
क्रिएट इनसाइड देयर माइंड और क्रिएट सच एक्सपेक्टेशंस। सो उनकी सभी एक्सपेक्टेशन को रियलिटी से इंट्रोड्यूस कराने के लिए व्हाट यू वांट टू टेल टू देम। उस चीज़ को मैं एक एग्जांपल से रिलेट करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल एक कॉलेज होता है तो उसमें डिग्री सबको सेम ही मिलती है। अगर कोई बीटेक कर रहा है या एमबीए कर रहा है, डिग्री सबको सेम ही मिलेगी। बट डिफरेंस क्या होता है, प्लेसमेंट सबकी अलग होती है। तो जो प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिग्री पे नहीं, आपके पोटेंशियल पे और आपकी नॉलेज पे डिपेंड करती है। तो सेम परफेक्ट चीज़ परफेक्ट सर्टिफिकेशन पे है कि अगर आप मतलब सर्टिफाइड तो हम सभी लोग हैं, बट यहाँ पे कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा। तो मतलब जो इससे अगर मतलब ग्रोथ की बात है तो वो आपकी हार्डवर्क और आपके नॉलेज पे डिपेंड है। आप मतलब कितना उस चीज को लेकर डेडिकेटेड हो और आप कितना वर्क करते हो और आपकी पोटेंशियल कितनी है। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से सर्टिफिकेशन से ज़्यादा अपनी नॉलेज गेन करने में ज़्यादा सोचना चाहिए, ना कि भाई सर्टिफिकेट। क्योंकि सर्टिफिकेट आपको क्या है, आपको एक मतलब बैकअप करेगा सर्टिफिकेट आपको, मतलब वो आपके आगे आके काम नहीं करेगा, वो आपके पीछे रहेगा। लेट सपोज अगर आपको कोई कुछ कहता है कि भाई आप किस बेस पे कह रहे हो, तो आपके पास प्रूफ होगा कि भाई बैकिंग मतलब है। मैंने बिल्कुल सर वो बिल्कुल आपका बैकअप है, ना कि आपका वो कि आगे आपको सपोर्ट कर, सपोर्ट आपको बिल्कुल, खुद ही आगे तो करना आपकी पड़ेगा। नॉलेज आएगी जो आप। हाँ, आगे आपको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल इसी के साथ हम अपना ये सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच अंकुर फॉर जॉइनिंग अस। आपके क्वालिटी को मैं यहाँ एड्रेस करना चाहूँगा कि जो आपको क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, आप बहुत प्रिसाइजली टू द पॉइंट उसके आंसर्स देते हैं। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द व्यूअर्स टू गेट अ क्लियर एक्सप्लेनेशन टू द क्वेरीज विच आई एम रेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। विल बी इन टच। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक्स टू यू अंकुर। एनीवेज फ्रेंड्स, इट्स द टाइम टू एंड आवर सेशन। अगर आप लोगों को स्टिल कुछ क्वेरीज हैं, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। दिस इज़ योर फिट ट्यूबर राहुल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।